थम गया चुनाव प्रचार, अनिल यादव बोले साजिश रचने वालों से सावधान। 9 नवंबर को होने वाले जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्य के चुनाव के लिए किया जा रहा चुनाव प्रचार आज थम गया। प्रचार के अंतिम दिन रेवाड़ी जिला परिषद के वार्ड नंबर 6 से उम्मीदवार अनिल यादव ने आज मसीद गांव में डोर टू डोर चुनाव प्रचार किया, साथ ही गांव में एक जनसभा को संबोधित भी किया। अनिल यादव ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान वो हर गांव के मतदाताओं तक पहुंचे हैं और सभी जगह लोगों से उन्हें पूरा समर्थन मिला है। आपको बता दें कि अनिल यादव केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक हैं, जिनके चुनाव प्रचार के दौरान अजय पटौदा राव इंद्रजीत का संदेश लेकर भी जनता के बीच पहुंचे थे। अनिल यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा है कि जिला पार्षद के बाद जिला प्रमुख के लिए भी उनका नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि जीत के बाद गांव को जोड़ने वाली सभी सड़कें ठीक की जाएगी, सभी गांवों से सुझाव लेकर विकास कार्यों को कराया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान अनिल यादव ने ये भी कहा कि एक साजिश के तहत उनके वार्ड से दूसरा अनिल नाम का उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, इसलिए जनता 2 नंबर पर स्कूटर के निशान पर ही सोच समझ कर वोट करे। आपको बता दें कि रेवाड़ी जिला परिषद के लिए जिले में 18 वार्ड है जिन पर 133 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। रेवाड़ी अपडेट आप सभी से ये अपील भी करता है कि लोकतंत्र के इस पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी निभाएं। माहौल तो आप सबके सामने है, पूरे मसीद गांव की सरदारी आपके बीच में है और 16 गांव के सभी मेरे साथी आप मेरे साथ चल रहे हैं और मैं तो पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि हम चुनाव जीत चुके हैं। आप ये देख रहे हो उन लोगों को अपनी हार दिखाई दे रही है, तो वो अपनी राजनीति के निचले स्तर पर आ गए हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। बाहर की लेडीज़ आके अपना निशान बांट रही हैं कि अनिल का निशान बदल गया है, इसका निशान रिक्शा का है, तो लोगों को बगलाने की कोशिश करी जा रही है हर गांव के अंदर। पर मुझे पूर्ण विश्वास है अपने 16 गांव की सरदारी पर, वो ऐसी कोई चूक नहीं करेंगे जिसमें वार्ड नंबर 6 का कहीं भी नुकसान हो। इस क्षेत्र को, वार्ड नंबर 6 को मेरे को तो पूरी आशा और पूरी उम्मीद है, एक अपने भाई बेटा आपका जिला प्रमुख बनने जा रहा है। इस वार्ड के लिए जो कुछ अप्रोच रोडों की जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा और सभी पंचायतों से मिलकर उनके सुझाव लिए जाएंगे कि उनकी क्या इच्छा है, वो क्या करवाना चाहते हैं, उनकी इच्छाओं को जानकारी लेके वार्ड के जो भी कमी होगी उनको दूर किया जाएगा। पानी की समस्या है, कहीं रास्ते की समस्या है, कहीं स्कूलों में शिक्षकों की समस्या है, जहाँ जिस गाँव में जिस प्रकार की समस्या होगी हम उस समस्याओं को दूर करेंगे।